खबर आजमगढ़ जनपद से आ रही है, जहां कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन किया गया है। ऐसी हालत में वे लोग जो रोज मजदूरी करते थे, अपना और अपने घर का पेट भरते थे, आज इस महामारी से उनके घरों के चूल्हे जलना बंद हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जनपद कोतवाली क्षेत्र के काशीराम आवास में रहने वाले कुछ परिवार की, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में जब शहर के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जीएन बरनवाल अध्यक्ष सेवा भारती को पता चली, तो तत्काल उन्होंने आटा, चावल, दाल, नमक, मसाला, तेल इत्यादि खाने की चीजों का वितरण कराया। हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने जब उनसे पूछा कि यह खाने की चीजों का वितरण कब से चल रहा है, तो डॉक्टर जीएन बरनवाल ने बड़ी ही शालीनता से क्या कुछ कहा। तो आइए देखते हैं डॉक्टर जीएन बरनवाल व हमारे संवाददाता मनोज दुबे की खास बातचीत। अगर आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूँ आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो है मैं आजमगढ़ कोतवाली के पीछे जो है काशीराम आवास है, वहाँ पर जो है आया हूँ। यहाँ पर जो है जीएन बरनवाल जो है अध्यक्ष सेवा भारती, वो जो है अनाज और जो है जरूरी सामान जो है वितरण कर रहे हैं, जिनके पास जो है खाने के लिए नहीं है। आइए हम डॉक्टर साहब से मिल। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे आप, इस समय जो है जो कोरोना वायरस चल रहा है, इस वायरस के चलते जो है काफी लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे में आप लोग जो है इस महामारी के जो है रोग के बीच में जो है चलकर और लोगों तक अनाज जो है पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, खाने की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, तो ऐसे में काफी कठिनाइयां हो रही होंगी आप लोगों को। कठिनाइयां तो बहुत हो रही है, क्योंकि जनता कहने के बाद भी मान नहीं रही है और एक जगह गैदरिंग कर दे रही है। जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को दूर दूर खड़ा करके कुछ उनको अनाज और दिनचर्या की चीज़ें उनको मुहैया करा दी जाएँ, तो वो लोग एक दूसरे के साथ ही मिल के और भीड़ मचा कर उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इस समय देश हमारा बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग आप ही के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। कृपया भीड़ न बचाएं और एक दूसरे से दूरी बनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपने अनाज का या अपने जो भी दिनचर्या के सामानों का है उनका आप उनको ग्रहण करें, ताकि हमारा समाज भी इस बीमारी से बचा रहे और आप लोगों की हम मदद भी कर सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताएंगे, क्या ये आज बट रहा है या इससे पहले भी बटा था या आगे भी बटेगा? ये 3 दिन से जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोगों की संस्था नित्य प्रयास कर रही है। कल भी हम लोगों ने बलरामपुर चौहान बस्ती में और उकड़ौरा हरिजन टोली में, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं पहले 1-2 दिन पहले, और फिर उस लिस्ट के अनुसार अनाज का वितरण किया जा रहा है। अब तक लगभग कितने लोगों को जो है वितरण किया गया होगा? अब तक लगभग 400 से 500 लोगों का वितरण किया गया है, और आने वाले समय में ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। बस जनता से यही अपील करते हैं कि वो लोग इसको जैसे हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं कि उन लोगों को भूख खाने की कमी ना हो, वैसे वो भी मेरा सहयोग करें कि जहाँ भी जाएं वो लोग शांतिपूर्वक और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के हमारी मदद करें। नेशनल खबर 9 में बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के साथ जो है वीएन बरनवाल जी, डॉक्टर साहब जो है वो भी साथ में हैं, और ये देखिए जो है ये भी अनाज करवा रहे हैं। सब ठीक है।